श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1000 महामृत्युंजय मंत्र के बराबर होता है। शास्त्र कहता है किसी को हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर बहुत दूर है, एक लोटा पानी लो, उस पानी को पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर कंकर को उठाकर, कंकर जानते हो, किसी भी रोड का किसी भी स्थान का एक पत्थर एक कंकर उठा के पानी के लोटे में डाल दो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर 21 बार उतार कर पानी को बाहर फेंक दो, अटैक की बीमारी से भी लोग बच जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इतना मंत्र का जाप की प्रबलता होती है, इतना मंत्र जाप की प्रबलता। बच्चे बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, बुखार उतर ही नहीं रहा बिल्कुल, बहुत समय से लगे, कुछ मत करो, लोटे में पानी लो, थोड़ा सा दूध डाल लो और उसमें एक कंकर डाल लो, कंकर डाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के 7 बार उतारो, पीपल के पत्र में डाल दो, बच्चा स्वस्थ आराम कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र। पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, एक अक्षत चावल का दाना एक लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर घर के बाहर से जब निकलो फेंकते हुए चले जाइए, विद्या में उत्तमता प्राप्त होती है। ये उसी तरह है जैसे घर का दीपक, घर का दीप देखा, घर में जो दीपक होता है उसको बदला नहीं जाता, बार बार नहीं बदलना चाहिए, घर का दिया जितना पुराना होता है उतना फलदायी होता है। जितना पुराना दीपक घर में रहेगा, या तो 2-3 दिए घर में कर लो, पीतल का स्टील का जिसका आपको लगाना हो आपकी मर्जी, चांदी का आदि का ऋण, पर उन दियों को बार बार नहीं बदलना, वो 3 दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल, वो दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है, उस दीप का इतना महत्व होता है। दिया कोई सहज नहीं होता, माला कोई सहज नहीं होती, गौमुखी कोई सहज नहीं होती, जिसको तुम जप जप कर जिंदगी निकाल दी, जिस आसन पर बैठकर अपन भजन करते वो आसन श्रेष्ठ हो जाता है, उस आसन की महत्वता बढ़ जाती है, कोई सहजता नहीं, सहजता। हमारे यहां तो अग्रवाल जी, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा जो उस एरिया में होती है, आंध्रा साइड में होती है या गुजरात राजस्थान एमपी साइड में होती है, तो जहां पर व्यास बत्ता बैठता है वहां पर जजमान रोज आसन बिछाता है, रोज उठाता है, वही आसन जजमान अपने घर पर ले जाता है और उसकी गादी पर बिछाता है, क्योंकि जिस जगह से पुराण को बांचा जाता है उस आसन की बड़ी महत्वता मानी, बड़ी महत्वता। कई लोग आप लोगों में से आते होंगे तो संग में आसन लाते होंगे, अब यहाँ तो कोई लाया कि नहीं लाया पता नहीं, पर पहले ऐसा नियम का कथा सुनने जाते थे तो आसन साथ लेकर जाते थे, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा, बोलो तो, पहले ऐसा होता आसन लेकर जाते थे, साथ में बिछाते थे फिर बैठते, उस आसन की बड़ी महत्व, बड़ी आसन भी अलग अलग होता है, आप लोगों को मालूम होगा देवी जी की पूजन करो तो लाल आसन, शिव जी की पूजन में काला आसन, भगवान शंकर की पूजन में, ठाकुर जी की पूजन करो तो उषा का आसन, पितरों की पूजन करो तो डाक का आसन, गणेश जी की पूजन करो तो आसन की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन पर बैठ के करो गणेश पूजन, कभी आसन पे बैठ के नहीं करना, ये तो पुण्य नहीं मिलता, अगर गणेश पूजन आसन पे बैठ के कर ली तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है, गणेश पूजन जमीन पर बैठ कर करना चाहिए, भूमि आसन की महत्व। भगवत भजन में, भगवत नाम में, भगवत की